तो दोस्तों आज हम लोग बढ़ने वाले हैं मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल डे टू की तरफ। तो स्टैंडिंग्स पे जाने से पहले मैं आपको एक मैच दिखा देता हूं जो कि डे टू पे खेला गया था मैग्नस कार्लसन और शकिरिया ममिदयारो के बीच में। तो यार कार्लसन के पास थे व्हाइट पीसेज और उन्होंने गेम की शुरुआत की e4, यहाँ पे आए c5, कार्लसन ने खेला नाइट f3, e6, d4, c takes d4, knight takes d4 और यहाँ पे आया knight f6 इस पॉन को अटैक करते हुए। यहाँ पे कार्लसन ने डेवलप किया knight c3, या ममिदयारो ने डेवलप किया knight c6, a3 स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, bishop e7 कैसलिंग की तैयारी करते हुए और यहाँ पे आया f4 किंग साइड पे प्ले करते हुए। या ममिदयारो ने कैसल किया, यहाँ आया e5। ऑल्दो ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन देखिए आपको अगर ना पता हो मैं बता दूं कि ये एक रैपिड इवेंट है विथ 10 सेकेंड इंक्रीमेंट, तो प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे आया knight d5, कार्लसन ने यहाँ ट्रेड किया knight takes d5 e takes d5 और यहाँ पे आया knight takes c6। अब देखिए नाइट बोर्ड से हट चुके हैं b takes c6 और यहाँ पे आया bishop d3 और यहाँ पे खेला गया bishop c5 कैसलिंग से कार्लसन को रोकते हुए। यहाँ पे आया queen f3, कार्लसन यहाँ बिशप ला के कैसल करेंगे, तो इसीलिए यहाँ बेटर था कि आप खेल दें queen b6, क्योंकि अब बिशप लाया नहीं जा सकता क्योंकि आपका बिशप चला जाएगा। लेकिन हमारे गेम में खेला गया d6 और यहाँ पे कार्लसन ने खेला bishop e3, यहाँ पे आया rook b8 और कार्लसन ने यहाँ इस वीकनेस को पुश किया और खेला b4। यहाँ पे आया bishop takes c3 queen takes c3 और यहाँ अटैक किया ममिदयारो ने बाय a5, कार्लसन ने यहाँ कैसल किया और यहाँ पे आया a takes b4, कार्लसन ने यहाँ लिया a takes b4 और यहाँ पे आया d takes e5, यहाँ आया f takes e5। अब देखिए ये रुक भी ओपन फाइल पे है। यहाँ पे आया rook takes b4, यहाँ पे आया rook a8, रुक को जंप करते हुए एनिमी के कैंप में। यहाँ पे आया g6, देखिए g6 का प्लान यह है कि ममिदयारो को लग रहा है कि अगर ऑल्दो वो यहाँ पे d4 खेल देंगे तो यहाँ पे queen e4 काफी स्ट्रांग है, यहाँ आप f5 भी नहीं खेल सकते क्योंकि e takes f6 के कारण और आपकी पोजीशन काफी खराब हो जाएगी, आप लॉस्ट हो जाएंगे। तो g6 खेलने ममिदयारो को लगा कि खेलना ही था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे खेला g6। देखिए अब इससे थोड़े वीक तो हो गए स्क्वायर, लेकिन ममिदयारो को लगा कि कार्लसन के पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं है। यहाँ पे खेला गया e6, देखिए आप बिशप से ले नहीं सकते, आपकी क्वीन चली जाएगी, इसीलिए यहाँ खेला गया f takes e6। कार्लसन ने यहाँ ट्रेड किया rook takes f8 चेक, यहाँ आया queen takes f8, अगर आप किंग से लेंगे king takes f8 तो यहाँ पे सिंपली queen c5 चेक, रुक विन कर जाएगा। आप queen e7 ऑल दो खेल सकते हैं तो यहाँ पे rook takes c8 चेक और आप लॉस्ट हो जाएंगे। तो ममिदयारो को क्वीन ही से लेना पड़ा और आफ्टर क्वीन टेक्स यहाँ पे कार्लसन ने खेला g3, यहाँ ममिदयारो ने चेक दिया rook b1 चेक, कार्लसन ने खेला king g2 और यहाँ पे आया e5। अब आप हो सके तो वीडियो पास करके सोचिए कि कार्लसन ने क्या खेला। देखिए ये मूव जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा था और ये मूव है g4। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा इस मूव का पॉइंट क्या है, लेकिन ये काफी ब्रिलियंट मूव है। देखिए इस मूव का पॉइंट ये है कि हमें खेलना है यहाँ पे bishop e6, लेकिन अभी इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि h3 चेक आएगा और आफ्टर किंग टेक्स हम लोग लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि ब्लैक रुक गेन कर लेगा। तो इसी को देखते हुए कार्लसन ने खेला g4 और ममिदयारो को यहाँ खेलना चाहिए था rook b4 और आफ्टर h3 मैच कंटिन्यू रहता। ऑल्दो कार्लसन थोड़े बेटर होते, लेकिन यहाँ देखिए ममिदयारो ने ब्लंडर किया और खेला e4 और कार्लसन ने यहाँ जो प्लान था bishop a6 वो एग्जीक्यूट किया। अब ममिदयारो को लगा कि क्योंकि उनका पीस तो चला ही जाएगा तो ये बेटर होगा कि क्वीन वर्सेस रुक और बिशप खेलें, तो इसीलिए उन्होंने लिया bishop takes e6 और कार्लसन ने यहाँ लिया rook takes f8 चेक, यहाँ पे आया king takes f8 और यहाँ पे खेला गया queen a3 चेक, जिसके बाद ममिदयारो ने रिजाइन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडिंग्स की तरफ कि टूर्नामेंट की स्टैंडिंग्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि डे टू के बाद राउंड 10 के बाद ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ हाफ इंडियन अनीश गिरी लीड में है विथ और हाफ पॉइंट से पीछे है मैग्नस कार्लसन, फिर है वेस्ली सो, फिर है नाकामूरा
और अली रेजा फिरूजा और लेवन अरोनियन एमबीएल, कितने बड़े बड़े नाम है। तो आप देख सकते हैं कि अनीस गिरी काफी बढ़िया फॉर्म में आफ्टर टाटा स्टील, वो तो जैसे कमाल का चेस खेल रहे हैं। तो देखते हैं आगे टूर्नामेंट में क्या होता है, D3 की ओर चलते हैं। और मैं, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।